उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आपदा के बेहतर प्रबंधन के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने दायित्वों को गंभीरता से लेने को कहा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन भूकंप संबंधी आपदा को लेकर किए गए मेगा मॉक अभ्यास के दौरान सामने आई कमियों को ठीक करेगा ताकि किसी भी आपात स्थिति से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। भूकंप जैसे किसी आपदा के समय बेहतर प्रबंधन के लिए प्रशासन की तैयारी एवं क्षमता का आकलन करना और प्रबंधों एवं व्यवस्थाओं में कमी का पता लगाकर विश्लेषण एवं सुधार करने के उद्देश्य से पूरे हिमाचल में वीरवार को मॉक ड्रिलों का आयोजन किया गया। इस ड्रिल के दौरान आपदा से निपटने की तैयारी, योजना के अनुरूप कार्य करने, आपसी समन्वय, सूचना एवं संचार माध्यमों के प्रयोग, प्रतिक्रिया, बचाव और राहत जैसे आपदा प्रबंधनों के सभी चरणों की गंभीरता से काम किया गया और जांच की गई। इस दौरान सामने आई कमियों को भी नोट किया गया। मंडी जिला में अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आपदा के बेहतर प्रबंधन के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने दायित्व को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन भूकंप संबंधी आपदा को लेकर किए गए मॉक अभ्यास के दौरान सामने आई कमियों को ठीक करेगा ताकि किसी भी आपदा स्थिति से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। उन्होंने बताया कि मंडी जिला में 200 लोगों को आपदा से जुड़े राहत एवं बचाव कार्य को लेकर प्रशिक्षित किया गया है। इन्हें जिला में आपदा की स्थिति में गोताखोरी और इसी प्रकार के अन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। इनकी भी मॉक अभ्यास में मदद ली गई। इसके अलावा सर्व संस्था के स्वयंसेवियों की सहायता भी आपदा प्रबंधन में ली गई। ये सभी प्रशिक्षित स्वयंसेवी और जिला भर में अपना नेटवर्क मजबूत करेंगे। जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो है एक डिजास्टर मेगा मॉक ड्रिल का जो है आयोजन किया गया, जिसमें जो है मंडी में भी हमें ये ऊपर से इस टीम से ये कमी किया गया था कि हमें ये मान के चलना है कि 8 डिग्री रेक्टर स्केल में जो है भूकंप आया है जिसका एपिसेंटर सुंदरनगर है। हमें कन्वे किया गया था कि हमने ये मान के चलना है कि जिसमें हमारा ब्यूली का जो NH के ऊपर ब्रिज है वो टूट गया है और भूतनाथ गली में जो है बिल्डिंग कोलेप्स हो गई है, आग लग गई है। और हमें ये भी कहा गया था कि बग्गी की जो कनाल सुंदरनगर को जाती है BBMB की, वो भी ब्रेक हो गई है। तो और साथ में सुंदरनगर इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो है वो भी गिर गया है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे दबे हैं। इसके साथ साथ हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने 5 और साइट्स, जिसमें डाइट मंडी, हमने हॉस्पिटल लिया था, हमने चीफ इंजीनियर ऑफिस लिया था और बाकी सर्विसन में भी 3-3 साइट्स लेके हमने जो है मॉगा मैक्टिंग जो है इसमें की है। मंडी की मैं बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने करीब हमारे 100 वॉलेंटियर्स जो है 5 लोकेशन पर हमने उनको जो है अलग अलग ढंग से अलग अलग सिचुएशन में प्लेस किया। और हमने सभी, जैसे ही हुटर बजा, मोबाइल कम्युनिकेशन हमने किसी ने नहीं किया, हुटर के साथ ही जो हमारा प्री डिफाइंड स्टेजिंग एरिया पड्डल मंडी है वहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स के जितने भी लोग हैं अलॉन्ग विद मशीनरी इक्विपमेंट्स के साथ वहाँ पे जो आए, NDRF की भी एक यूनिट हमारे पास वहाँ पे जो है आई। और उसके बाद हमने, क्योंकि 5 लोकेशन हमारे पास मंडी में थे, इन 5 लोकेशन पर हमने जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो है टीम लीडर बना के जो है 5 टीम्स बनाई। इनको हमने डिफरेंट इक्विपमेंट्स, एम्बुलेंसेज के साथ, हेल्थ के पैरामेडिक्स के स्टाफ के साथ, फायर फाइटर्स के साथ एक हफ्ते सभी डिपार्टमेंट के लोगों को लेके एक टीम बनाई और डिफरेंट लोकेशंस में भेज के जो है जो भी हमने वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट की गई थी वहाँ से जो है इनको रेस्क्यू किया। और ये इसमें सिमुलेशन किया गया था कि करीब 14 के करीब हमारे इसमें जो है डेथ्स हुई हैं और बाकी सभी लोगों को जो है हमने रेस्क्यू किया। और इन 5 लोकेशंस पे हमारे जो ऑब्जर्वर्स हमने पूरे अपनी एक्सरसाइज को जो जो लोग मॉनिटर कर रहे थे उनको जो है हमने वहाँ पे लगाया था, जिन्होंने हमारी जो पूरी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।